के बर्डी स्थित विदर्भ हिंदी साहित्य संघ में ऑल इंडिया कॉम्पिटेटिव न्यूमिस मैट्रिक बिगेस्ट एग्जीबिशन ऑफ कॉइन्स एंड करेंसी नोट्स नागमनी 2022 का शानदार आयोजन किया गया। 3 दिवसीय चलने वाली इस कॉइन प्रदर्शनी में पूरे भारतवर्ष से आए 48 डीलरों ने स्टॉल लगाए हैं। इस प्रदर्शनी में लोगों का भारी प्रतिसाद भी मिलते हुए दिख रहा है। पेश है हमारे संवाददाता संजय मीरे, इनकी ये ग्राउंड रिपोर्ट ओल्ड इज गोल्ड में। आइए देखते हैं। शहर के विदर्भ हिंदी साहित्य संघ में ऑल इंडिया कॉम्पिटेटिव न्यूमिस मैट्रिक बिगेस्ट एग्जीबिशन ऑफ कॉइन्स एंड करेंसी नोट्स नागमनी 2022 का शानदार आयोजन किया गया है। 3 दिवसीय चलने वाले इस कॉइन प्रदर्शनी में तकरीबन 48 डीलर के स्टॉल लगाए गए हैं। इस प्रदर्शनी में मुंबई, कोलकाता, रायपुर, हैदराबाद, देहरादून, पुणे, कोरची, दिल्ली, भोपाल, जयपुर, चेन्नई, अहमदाबाद, बड़ोदरा, बेंगलोर, सूरत आदि शहरों से आए डीलरों ने अपने स्टॉल शानदार तरीके से सजाए हैं। प्रदर्शनी में ब्रिटिश काल के दुर्लभ शेयर सर्टिफिकेट संजय मिश्रा द्वारा लगाए गए हैं, तो वहीं श्री छत्रपति शिवाजी महाराज की दुर्लभ स्वर्ण मुद्रा, लोन तथा देवगिरी के यादव राजवंश की दुर्लभ स्वर्ण मुद्रा चंद्रपुर के अशोक सिंह ठाकुर द्वारा लगाई गई है, जो पूरी प्रदर्शनी में आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। कॉइन प्रदर्शनी देखने आए शहर के छात्र छात्राओं ने दुर्लभ ऐतिहासिक सिक्कों की काफी सराहना करते हुए BCN समक्ष इसकी जानकारी दी। आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ अच्छी बात हो, उनके लोग कुछ हिस्टोरिकली जानकारी हो, इस उद्देश्य को लेके आज विदर्भ हिंदी साहित्य संघ के इस सभागृह में कई ऐसे संग्रहालय यहाँ पे दिखाई देते हैं जो पुरातत्व काल के यहाँ पे कई कॉइन्स है, सिक्के हैं, जो चलन था वो आज यहाँ के युवाओं ने देखा है। कुछ युवा साथी हमारे साथ में हैं, इनसे जानना चाहेंगे। सर, ये बताइए कि जिस प्रकार से आज आप इस एग्जीबिशन में आए और यहाँ पे जो पुरातन काल की जो आपने जो मुद्राएँ देखी, कैसा महसूस कर रहे हो, क्या कहना चाहोगे इस प्रदर्शनी को लेकर, क्या आपकी प्रतिक्रियाएँ हैं? ये जो एग्जीबिशन है वो बहुत ही अच्छा है और यहाँ पे हमें बहुत प्राचीन काल के 1200 एडी और 1100 एडी के भी यहाँ पे कॉइन रखे वो आज हमने देखे यहाँ पे। और यहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज का जो राज्याभिषेक हुआ था वहाँ की मुद्राएं भी है और भगवान श्री राम के भी मुद्राएं हैं। और जो छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो मुद्रा बनाई थी उसके शिवाजी महाराज के स्पर्श भी है, इसीलिए वो बहुमूल्यवान है। यहाँ पर सभी चीज़ें बहुत अच्छी है, यहाँ पर सारे ही हमने देखे हैं कॉइन्स और सभी चीज़ें हमारे हिस्ट्री, इंडिया की हिस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पर जो हमने देखा है कि हमारे वर्ल्ड में सिर्फ जो 3 कॉइन्स बने थे उनमें से वहाँ यहाँ पर एक कॉइन है जो हम इतने लकी है हमको यहाँ पर देखने मिला है। हमको तो वैसे मिलेगा नहीं, पर हम अभी यहाँ पर बहुत लकी है इसीलिए, और हमारी आने वाली जनरेशन को भी ये देखने मिलेगा, इसीलिए हम चाहेंगे कि ऐसे एग्जीबिशंस और आते रहे ताकि हम अपने हिस्ट्री को रिप्रेजेंट कर सकें। थैंक यू सो मच सर। मुझे तो यहाँ आके इतना लकी लग रहा है कि हम लोग ये एग्जीबिशन में आए। यहाँ पर हमें प्रेजेंट एरा की भी पूरी नोट्स देखने मिली, पर साथ ही साथ हमें छत्रपति शिवाजी महाराज की भी जो अशोक सर ने रखी है वो हमें, मुझे तो बहुत अच्छी लगी और मैं तो धन्य हो गई हूँ वो जो मुद्रा है उनको छूकर। और मतलब एकदम बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि मेरा दिन तो सफल हो गया है, इसलिए हम लोग बहुत खुश हैं। वी आर वेरी थैंकफुल टू अशोक सर कि उन्होंने यहाँ पे इतना अच्छा एग्जीबिशन में उनके कॉइन्स रखे, उन्होंने अपना कलेक्शन वहाँ पे रिप्रेजेंट किया। उनके वो जो कलेक्शंस थे शिवाजी महाराज के कॉइन्स, वो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब बहुत अच्छा लगा उनको छू के वगैरह। और यहाँ पे जो उन्होंने और श्री राम जी के कॉइन्स थे वो भी बहुत अच्छे थे। हमें ऐसा लगता है कि ऐसे एग्जीबिशंस और हो और हमें और अच्छा लगे, क्योंकि यहाँ से हमें बहुत कुछ जो अशोक सर जी ने हमें जो नॉलेज दिया उनसे हमें बहुत ज़्यादा आगे जाके फ्यूचर में बहुत ज़्यादा ये होगा। और मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ सर की। थैंक यू सर। हम श्री राम जी और शिवाजी महाराज इनकी कहानियाँ बहुत बचपन से सुनते आ रहे हैं। उनके ईरा के कॉइन्स देखना, ये हमें सौभाग्य मिला तो बहुत अच्छा लग रहा है। और इवन हम लोग यही बात हम लोग हमारे नेक्स्ट जनरेशन को भी बताएंगे, उनको भी सिखाएंगे कि हम लोगों ने ऐसा ऐसा कुछ देखा है, ऐसा हमें देखने मिला वगैरह, तो हम बहुत खुश नसीब है। थैंक यू बोला है। बिल्कुल, यहाँ पे काफ़ी छात्र छात्राएं आए थे, उन्होंने अपनी प्रतिक्रियाएं दी है और उनका ये मानना है कि जिस प्रकार से यहाँ तो कई ऐसे स्टॉल लगे मगर अद्भुत स्टॉल
जो है काफ़ी सरप्राइज उन्होंने दिया है वो है चंद्रपुर के अशोक सिंह ठाकुर सर इनका, और यहाँ पे उन्होंने अयोध्या को प्रभु श्री रामचंद्र जी के कार्यकाल के वो कॉइन्स दिखाए हैं। इतने नहीं तो छत्रपति श्री शिवाजी महाराज के जो स्पर्शित ऐसे जो कॉइन्स थे वो भी उन्होंने दिखाया है, जिसको लेके बच्चे काफ़ी उत्साहित है। इस समय फिर अशोक ठाकुर साहब हमारे साथ हैं, उनसे जानना चाहेंगे। अशोक जी ये बताइए कि ये जो आपने जो सिक्के जो संजोगे रखा है कैसा लग रहा है, और आज यहाँ पे जो जिस प्रकार से यहाँ के छात्र छात्राओं ने जो प्रतिक्रियाएँ दी है उसको लेकर क्या कहना चाहोगे, कितने खुश हो आप? नहीं, मुझे बेहद खुशी है कि मैं नागपुर में आके, चंद्रपुर से नागपुर में आके इन सिक्कों की प्रदर्शनी हम लोगों ने लगाई है। मैं विशेष बात आपसे बताता हूँ कि शिवाजी महाराज के सिक्के, छत्रपति शिवाजी महाराज के सिक्के वैसे कोई एग्जीबिशन में रखता नहीं है, सिर्फ म्यूज़ियम में ही है। छत्रपति शिवाजी का जो म्यूज़ियम है मुंबई में, एक वहाँ पर है, एक उनके वंशज के पास में है, एक नेशनल म्यूज़ियम में है, तो ये ऐसा कोई दिखाता नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि नागपुर के लोगों को और ख़ासकर बच्चों को शिवाजी के प्रति, जब उनका राज्य रोहन हुआ था तो उनको सिक्कों से तौला गया था और वो सिक्के बाद में बांटे गए थे, और उनके हाथ से स्पर्श हुआ सिक्के, जैसे मैंने आज देखा कि ये बच्चियों ने उसको छू के जो उनके इसमें प्रसन्नता हुई वो देख कर तो मैं अभिभूत हूँ मैं। और श्रीराम का जो सिक्का है वो अति दुर्लभ सिक्कों के श्रेणी में आता है। वो सिर्फ 3 ही सिक्के हैं पूरे हिंदुस्तान में, क्योंकि अकबर ने भी बनाया था, लेकिन अकबर ने इस सिक्के को जो बनाया था 300 साल के बाद बनाया था। ये अकबर से 300 साल के पहले मिंट वाला सिक्का है, और ये सिक्के की खासियत यह है कि अयोध्या का जिस दिन म्यूज़ियम बनेगा ये सिक्का उस म्यूज़ियम का अंग बन जाएगा। बिल्कुल, और ये अंग बनेगा ऐसा इनका मानना है। आप थोड़ा सा पैन करके बताइए सुभाष आप कि किस प्रकार के यहाँ सिक्कों की प्रदर्शनी लगी हुई है, कई पुरातन काल के नोट है, हर डॉक्यूमेंट्स आपको मिलेंगे, हर कॉइन्स मिलेंगे, हर सर्टिफिकेट यहाँ पे मौजूद है। बड़ी संख्या में नागपुर के लोग यहाँ पर आ रहे हैं और अब अपना मनपसंद जो कामकाज है उसको देखते हुए खुशी के मारे फुलाना समा पा रहे हैं। अब दर्शकों, अब हम आपको यहाँ के जो अरेंजर्स है, यहाँ जिन्होंने सिक्कों का स्टॉल लगाया है, उनसे भी हम बात करेंगे, आइए हमारे साथ। इस प्रदर्शनी में एक से बढ़कर एक पुरातन काल की वस्तुएं सबका ध्यान अपनी ओर खींच रही हैं। मुगल कालीन सिक्के, प्राचीन आहत मौर्य कालीन सिक्के, भारतीय गणराज्य के सिक्के, ब्रिटिश कालीन सिक्के, आजाद हिंद का पदक, विश्व के सभी देशों की मुद्राएं व कागजी नोट, फैंसी नोट का दुर्लभ संग्रह, सिक्कों पर देवी देवताओं के अंकित वाली मुद्रा, प्रभु श्री रामचंद्र जी की कालीन सिक्के मुद्रा आदि ऐतिहासिक वस्तुएं देखने के लिए शहर के नागरिकों की भीड़ साफ देखी जा सकती है। इस प्रदर्शनी के आयोजन के बारे में पीयूष अग्रवाल, अशोक सिंह ठाकुर और दास गुप्ता, इन्होंने बीसीएन समक्ष जानकारी दी। दर्शकों नमस्कार, इस समय में बीसीएन की टीम है विदर्भ हिंदी साहित्य सम्मेलन में, जहाँ पे नागमणि 2022 का शानदार आयोजन किया गया है। ऐसी ऐसी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है जो आज तक हमने नहीं देखी है, अगर देखी भी है तो इकट्ठा एक जगह पे नहीं देखी है, क्योंकि इतिहास को दोहराने का काम ही कुछ ऐसे शहर के तज्ञ व्यक्ति करते हैं जो आने वाले पीढ़ी के लिए पुराना संस्करण क्या था, किस प्रकार की वहाँ की मुद्राएँ थी और किस प्रकार का चलन उस समय में था, चाहे औरंगजेब की बात हो, चाहे अकबर की बात हो, चाहे अंग्रेजों की बात हो, या फिर मराठा के थोर नायक छत्रपति श्री शिवाजी महाराज जी हो, इनके बारे में जो चलन उस समय में जो चलता था, जिससे आदान प्रदान किया जाता था, उसको अच्छे तरह से संजो के रखने का काम शहर के कुछ ऐसे युवा साथियों ने किया है, जो पूरी तरह से आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस प्रकार का कॉइन का जो जखीरा है इनके पास है, ऐसे ऐसा जखीरा है जो हमने ज़िंदगी में देखा नहीं है। तो हम सीधा रुख करने चाहेंगे, इस समय में हमारे साथ में एक नानी तज्ञ जिनको कहते हैं हम, ऐसे अशोक जी है जो कि चंद्रपुर से बिलोंग करते हैं, जिन्होंने आज यहाँ पर स्टॉल लगाया है, उनसे जानना चाहेंगे। अशोक जी ये बताएं कि जिस प्रकार से आज ये बहुत बड़ा एक प्रदर्शनी जो आयोजित की गई है नागमणि के नाम से, ये करने के पीछे का उद्देश्य क्या है? हमारा एक ही उद्देश्य है कि आगे आने वाली पीढ़ी हमारे भारतीय इतिहास को समझे, और भारतीय इतिहास को अगर समझना है हमें तो हम सिक्कों के माध्यम से जितने विस्तृत में अगर बता सकते हैं उतने विस्तृत में कहीं से जानकारी प्राप्त नहीं होती। इतिहास को अगर हमें समझाना है तो या हम शिलालेख द्वारा समझाएं या तो स्मारकों द्वारा समझाएं,
लेकिन सिक्के ऐसी चीज है कि उस जमाने का वो रिटर्न एविडेंस है और रिटर्न एविडेंस कभी झूठ नहीं होता। सिक्कों पे वो जमाने की ब्राह्मी लिपि, अशोकन अशोक के पीरियड की लिपि, हर पीरियड में जैसे हम ड्रेस अपने चेंज करते हैं, हर काल के ड्रेस अलग अलग होते हैं, तो उस काल के सिक्के भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो ये विरासत है हमारी और हम यहाँ पर जो NRI जो हमारी संस्था है जिसके मेन आपके मेरे बगल में पीयूष अग्रवाल जी खड़े हैं, ये लगातार 14 वर्षों से निर्बाध्य 2021 को छोड़ के ये 13वां साल है कि उन्होंने इतना भव्य आयोजन किया है और इनके बुलाने पे पूरे ऑल इंडिया पूरे भारतवर्ष से सिक्का संग्राहक और डीलर यहाँ अपनी हाजिरी लगाते हैं क्योंकि नागपुर जो है वो सेंट्रल प्लेस है वो, और ये हमारा सौभाग्य है कि हम लोगों को ये इन्वाइट करते हैं, हम सब लोग यहाँ पर आते हैं और हम अपनी जो भी सिक्के हैं यहाँ पे लोगों को दिखाते हैं ताकि आने वाली पीढ़ी ये सिक्कों से हमारा प्रेजेंट इतिहास जान सके। बिल्कुल, काफ़ी अच्छी जानकारी इस समय में अशोक जी ने दिया है। उनका ये मानना है कि जो संग्रह जो है वो इतने संजोगे रखा है कि जिसके चलते आने वाली पीढ़ी को इसका फायदा होगा, लेकिन कोई भी इस तरह का संग्रह करना कोई मामूली बात होती नहीं है, इसके लिए काफ़ी कड़ी मेहनत करना पड़ता है, उसको पालना पड़ता है और उद्देश्य यही है कि आने वाली पीढ़ी को पुरातन कार्यकाल में या पिछले कुछ वर्षों को यदि देखा जाए जो चलन जो था वो किस प्रकार का था ये दिखाने का उद्देश्य था, ऐसा इनका मानना है। इस समय हमारे साथ में NRI के संस्था डायरेक्टर पीयूष अग्रवाल जी है जो कि इस कार्यक्रम के आयोजक है और जिन्होंने काफ़ी अच्छा शानदार आयोजन किया है, आइए उनसे बात करते हैं। पीयूष जी, ये बताए कि आज यहाँ पे जिस प्रकार से ये जो पूरा संग्रह करने के लिए ये जो अलग अलग लोग आए, ये भारतवर्ष के किस कोने से आए हैं और ये करने के पीछे का उद्देश्य क्या है, इसका कितना फायदा आने वाली पीढ़ी को होने जा रहा है? जी नमस्ते सर, ये जो है आयोजन जो है ये ऑल इंडिया लेवल पे है, तो यहाँ पूरे इंडिया से नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ सब डायरेक्शन से लोग आए हैं। नागपुर सेंट्रली लोकेटेड है, इसका एक एडवांटेज है कि चारों तरफ से डिस्टेंस बराबर होने की वजह से पूरे इंडिया से लोग आए हैं। दिल्ली से है, बम्बई से है, मद्रास से है, कलकत्ता से है, बिलासपुर से है, आसपास की सब जगह से है, और सब जन का आने का उद्देश्य ये बुलाने का कि पूरे इंडिया से लोग आएंगे तो वो कॉम्पिटिशन हम लोग एक रखते हैं कि जो संग्राहक लोग हैं उनको भी अपना पास जो कलेक्शन है वो बताने का मौका चाहिए कि लोगों को हम बता पाए कि हमारे पास क्या चीज़ है, तो हम लोग उस सब चीज़ को गैदर करने के लिए कॉम्पिटिशन रखते हैं जो इंडिया में कहीं नहीं होती, सिर्फ नागपुर में होती है। तो हम लोग सबको बुला के कंपटीशन करते हैं, 11 कैटेगरीज में करते हैं और फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइजेस कॉन्सोलेशन प्राइजेस ये वो सब देते हैं ताकि उन कलेक्टर्स को भी प्रोत्साहन बढ़े और जो लोग आए वो कंपटीशन में कैसे कॉइन लगाते हैं क्या है उसकी जानकारी पता लगे और लोगों को उसकी वैल्यू पता लगे कि भाई कॉइन क्या इंपॉर्टेंट है। और जैसे अशोक जी ने बताया कि कॉइन्स के ऊपर कि लिखा हुआ रहता है तो कॉइन कभी झूठ नहीं बोलते, तो सब चीज़ उसके बारे में यानी कॉइन्स के ऊपर से हिस्ट्री हमें पता लगती है कि अशोकन पीरियड का कॉइन है तो ये शाक्य जनपद का है, इस पर ये सिंबल है, ये इनके बुद्ध भगवान के फादर ने ये कॉइन निकाला था, तो ये सब चीज़ हमें वो सिक्कों से जानकारी मिलती है, तो बहुत इम्पोर्टेंट है सिक्के हिस्टोरिकल नॉलेज के लिए भी। सर हिस्टोरिकल नॉलेज के लिए ये सिक्के रहना बहुत ज़रूरी है और ये एक एक सिक्का जमा करने के लिए इन लोगों को काफ़ी मेहनत करनी पड़ी है, तब कहीं जाके ये जो पूरा सिक्कों का जो पुरातन सिक्कों का या वो वहाँ के जो डॉक्यूमेंट्स है उसका जो खजाना है इन लोगों के पास आज भी सही तरीके से इन्होंने संजोगे रखा है। खास बात तो दर्शकों मैं आपको बता दूं कि अंग्रेज़ों के कार्यकाल में शेयर्स की यदि बात की जाए तो शेयर्स हमने अभी भी देखा है कि किस प्रकार का शेयर्स होते हैं, मगर शेयर सही मायने में कैसे होते हैं यदि आपको देखना है तो आपको विदर्भ हिंदी साहित्य सम्मेलन में आना होगा, क्योंकि यहाँ के जो अंग्रेज़ों के ज़माने के शेयर्स बहुत ही वंडरफुल है, जो यानी देखने के बाद हम देखते ही रह जाए, दिस इज़ अ वेरी प्लीजेंट सरप्राइज फॉर अस। इस समय में डॉक्टर सेन गुप्ता भी हमारे साथ में है, दासगुप्ता जी हमारे साथ में हैं। दासगुप्ता जी, आपका कौन सा स्टॉल लगाया है, क्या कहना चाहोगे? मेरा स्टॉल नहीं है, मेरा कलेक्शन मैंने लगाया अपना, और इस वक्त मैंने जर्मनी का कलेक्शन लगाया है, तो आप देख सकते हैं इसमें, तो थोड़ा अच्छा हाँ थोड़ा जो मैंने जर्मनी का लगाया वो स्टेट के लगाया, जर्मनी की जो स्टेट थे पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के जो आपके जो मनी है जो शॉर्टेज मनी जब होती थी तो इमरजेंसी मनी चलाई गई थी उस पर मैंने लगाया इस वक्त इस बार। कितना महत्वपूर्ण है ये सब
क्या कलेक्शन के ऊपर? नहीं, कलेक्शन तो हर कोई भी कलेक्शन, कोई भी कैसा भी कलेक्शन हो, हर चीज़ उसके लिए महत्वपूर्ण होता है, और उसको जमा करके उसके बारे में डिटेल लिखना ये एक नॉलेज के लिए, नॉलेज अपने लिए भी होता है, दूसरे के लिए भी होता है। कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबे से उछालो यारो। जिसे कुछ करने की चाहत होती है उनके जीवन में उजाला होता है, जिन्हें कुछ नहीं करना है उनके जीवन में अंधेरे सा होता है। मगर शहर के कुछ ऐसे पर्सनैलिटी है जो इस शहर के बच्चों के लिए, आने वाले पीढ़ी के लिए उजाला करना चाहते हैं, और इसी श्रृंखला में आज हम आपको बता सकते हैं कि विदर्भ हिंदी साहित्य संघ जो झांसी रानी के पास ये सभागृह आता है, यहाँ पे ऐसा संग्रहालय बना हुआ है, ऐसी ऐसी कॉइन्स है, ऐसे डॉक्यूमेंट्स है जो पुरातन काल से लेकर अब तक के जितना चलन में है वे सब खजाना यहाँ पे है, जिसका आनंद उठा रहे हैं शहरवासी और अपने बच्चों को भी सीख दे रहे हैं, बता रहे कि हिस्टोरिकल क्या होती है। और यही स्पेशलिटी है आज के इस संग्रहालय की। यहाँ पे चाहे फिर भारतवर्ष के कई प्रांतों से, राज्यों से बड़े पैमाने पर लोग सिक्के लेकर अपने पास जो पूंजी है उसको लेके आए हुए हैं, क्योंकि ये पब्लिक को दिखाना है, आने वाले पीढ़ी को दिखाना है, ताकि आने वाली पीढ़ी सजग हो, ज्ञानी हो, और उन्हें भी अपने देश की धरोहर, अपनी गरिमा बरकरार रखने के लिए कामकाज आ सकती है, और उनका जीवन भी अच्छे से गुजर बसर हो सकता है, बशर्ते आप सबको यहाँ पे आना होगा और नॉलेज लेना होगा। विदर्भ हिंदी साहित्य संघ से कैमरा पर्सन सुभाष बुटले के साथ संजय मीरे, BCN न्यूज़, नागपुर।